और मैं एक नई बात आपसे अर्ज करता हूं, जो आप जो इस तहरीर के बाद जो मैंने लिखी थी दुआओं की, उसके बाद मुझे अभी अभी कुछ देर पहले मुझे उसका इल्म हुआ। मेरे पास एक टेलीफोन आया है एक साहब का, कि जो आमतौर जो बड़े नेक आदमी हैं और तबलीग जमात से भी उनका ताल्लुक है, और उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पर कसरत होती रहती है। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बताया कि गुज़श्ता रात उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास ये पैगाम भेजा कि तुम लोगों से कहो, तुम ये पढ़ो कि तीन मरतबा सूरह फातिहा और तीन मरतबा सूरह इखलास, तीन मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो हम नमाज में पढ़ते हैं, और तीन मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये तीन मरतबा, और उसके बाद 313 मरतबा सुभान हसबुनल्लाहु व निअमल वकील, हसबुनल्लाहु व निअमल वकील, हसबुनल्लाहु व निअमल वकील, ये 313 मरतबा पढ़े इन मौजूदा हालात के अंदर, तो इंशाल्लाह ये इसमें अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत रहेगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके उन्होंने बतलाया कि ख्वाब में आपने ये बताया है। यहाँ ये मैं अर्ज कर दूँ कि ख्वाब बज़ात खुद कोई हुज्जत नहीं होता कुरान और हदीस की तरह, लेकिन अगर उसमें कोई बशारत दी जाती है तो उस पर अमल करने में आम तौर से फ़ायदा होता है। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि, और जिन साहब ने ख्वाब देखा था उन्होंने मुझे यह भी कहा कि अगर आपके ज़रिए इसकी तशहीर हो जाए, दूसरे लोगों तक पहुँच जाए तो अच्छा है, अगर हर मुसलमान ये काम कर ले तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इस वबा से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत।